नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है, जहां पटवारी का लोकायुक्त पुलिस 1500 रुपया लेत रंगे हाथ गिरफ्तार करी। यह कार्रवाई उर्राहट मां होंडा एजेंसी के सामने भय, जहां पीड़ित किसान से आरोपी 1500 के रिश्वत लेते रहे। अपने बता दें कि घूस मांगे की शिकायत पीड़ित लोकायुक्त एसपी से करे रहे। जोड़े के बाद घेराबंदी करके घूसखोर पटवारी का लोकायुक्त पुलिस गिरफ्तार करें। आई दिखाई पूरी घटना और सुनाई थे पीड़ित का कि कौने नाम से रिश्वत मांगी गई रही और का रहा सलगा मामला। हवाई जान बैठो। कितने रुपए ले रहा है? ये अभी 1500 ले रहे हैं। किससे? क्या नाम, कितना पैसा ले रहा था आपसे? अमित कुमार द्विवेदी नाम है। काहे का ले रहा था? कितना? हमने नामांतरण लोक सेवा में करवाया और ये हमको नामांतरण नहीं किया। हमने कई बार इससे फोन किया है और इसको मिलने के लिए कहे दिवस हमको कर डाला। हमने लोक सेवा में अपने मित्र को पंकज मिश्रा और उनकी सगी बहन है कल्याणी उपाध्याय, उन्हीं का हम दोनों का नामांतरण लोक सेवा में आवेदन करके लगाया और ये आवेदन भी नहीं लेते थे। मैं दिया मेरा कागज। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ का मामला था? इन्हें दुआरी का था, दुआरी के 62/42 की जमीन था, प्लाट है, उसे कुछ तलाफी करने के लिए देते थे। कितना पैसा दिया आप? 2000। आज 1500 रुपए दिए, 500 रुपए उसको हमने 13 तारीख को दिए। उसको हमने बोला कि प्रति दोनों में 1000 रुपए लेंगे हम जब इस्तलाफी करेंगे। ऑपरेटर को देना पड़ता, फलाना ठिकाना किया है। और किसी अधिकारी को बोला था? उच्च अधिकारी को भी देना पड़ता है? अपने लिए बोला था जी। ठीक, बुलेटिन की अगली खबर ही है सतना से, जहां भदनपुर माइंस के पास रचना बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जाके घुस गए। अपने बताई कि घटना में ही केहू के हताहत होए के खबर नहीं आए। बस में बैठे सब यात्री कुशल हमा, कुछ का हल्की चोट आई है तो वहाँ सफर करे वाले यात्री बताएं कि ड्राइवर के लापरवाही और बस माही ओवरलोड सवारी बैठाए के वजह से यमे की घटना भय। मौका माही नजदीकी बदेरा थाना के डायल 100 वाहन पहुंचा और घायलन का ही प्राथमिक उपचार खातिर भेजा गया है। अब बताए दी कि यह खबर सतना के बदेरा से रही है, जहां ओवरलोड बस अनियंत्रित हो के पटरी से उतर गए। अचानक होए वाली यह घटना से यात्रियों में ही चीख पुकार मच गई रही। घटना के जानकारी लगता है आसपास के लोग मौका पर पहुंचे और यात्रियों का ही सकुशल बस से नीचे उतारे में गनीमती रही कि घटना में ही केहू के हताहत हो के खबर नहीं आए। यही सब बचू आ नहीं तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता। बस में कितनी सवारी रही है? थाना बदेरा की पुलिस कहाँ गई? कहाँ गई थाना बदेरा की पुलिस?
बुलेटिन के अगली खबर है चारघाट थाना क्षेत्र से, जहां 22 वर्षीय आदिवासी युवक के ऊपर मिट्टी के तेल डाल के आग लगाए दिन गए। अपना बताई कि घटना के जानकारी लगता है क्षेत्र में ही सनसनी फैल गए। आनंद फानंद में ही गंभीर रूप से जला युवक का उपचार खातिर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचावा गया, जहाँ से चिकित्सक गंभीर हालत देख के उनका संजय गांधी अस्पताल खातिर रेफर करी है। अब लोग बताइए कि मामला आपसी विवाद के बतावा जा रहा है। गंभीर रूप से झुलसे युवक के नाम रामाश्रय उर्फ रामू हवे, जिनकर गंभीर हालत में अब उपचार चल रहा है। आरोपी अर्जुन आदिवासी मलतारा के रहे वाला बताए जा रहे हैं। साथ ही यह जानकारी आ रही है कि घायल युवक मलतारा आए रहे, जहां उनके साथ मारपीट कीन गए और मिट्टी का तेल डाल के आग लगाए दिन गए। वहीं चारघाट पुलिस हत्या के प्रयास के धारण के तहत मामला का दर्ज करी है और आरोपी के धरपकड़ खातिर टीम रवाना करें। चर्चा यह है कि कोनो रिश्ता का लेके दुनहू के बीच विवाद भर रहा है। घायल युवक ढेका के रहे वाले बताए जा रहा हूँ। तो भैया बहनी आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में खबर देखे के लाने देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी। नमस्कार।